सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.5। ओके, स्टैटिस्टिक्स लेसन का एलजेब्रा स्टैंडर्ड 10th। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉलीगॉन जो गिवन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसे ऑब्जर्व करके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्व करते हैं इसे कि इसमें क्या क्या है। ओके, सो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यूजुअली जो ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है। इन क्लासेस में जो ये लेफ्ट साइड में है, ये सब स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और राइट साइड में जो गिवन है वो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट नंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे क्लासेस हैं, और ये हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने ये नंबरिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये साइड स्टूडेंट्स हैं, मैंने जैसे बोला वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस में मार्क्स, यानी कि जो लेफ्ट साइड में है ये वाले नंबर्स, ये सब जो है ये मार्क्स हैं, ठीक है। और राइट साइड वाले सारे स्टूडेंट के नंबर्स हैं, ठीक है। सो अभी देखेंगे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे जो यहाँ पे गिवन है, और उसके क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पे बोला है कि पहले क्लास में कितने नंबर्स हैं। ओके, सो पहला क्लास कौन सा है, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास कौन सा है, पहला क्लास नहीं, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस क्लास में है। सो सबसे ऊपर जो पीक पे दिख रहा है, ये जो क्लास है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हम चेक करेंगे कि ये किस क्लास में है, बिकॉज ये हमारी क्लासेस गिवन है, राइट। हमने क्लासेस नीचे लिखे हैं, सो ये हम देखेंगे कौन सी क्लास में है। तो ये क्लास 60 to 70 में आता है, ये देखिए, ये क्लास 60 to 70 में हमने मतलब ये ग्राफ में शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा पीक पे जो नंबर है वो क्लास 60 to 70 के बीच में आता है। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 60 to 70। ओके, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 60 to 70 के बीच में हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द क्लासेज हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। ओके, जीरो फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास में हो वो देखना है। तो पहले जीरो फ्रीक्वेंसी दो क्लासेज में है, पहली है 20 to 30 और दूसरी है 90 to 100, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें कोई नंबरिंग ही नहीं, एकदम 0.0 पे है, ठीक है, दोनों ही। इसके बाद जो बाकी के क्लासेस हैं इसमें नंबरिंग्स हैं, लेकिन ये दोनों क्लास में जीरो फ्रीक्वेंसी हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 20 to 30, यानी कि क्लास 20 to 30 एंड क्लास 90 to 100 आर हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, राइट। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, फिर अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा कौन सा क्लास मार्क है जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स की कितनी है, 50 है। तो यहाँ पे कौन सा क्लास मार्क है वो देखते हैं। सो क्लास मार्क होता है ये, और क्लासेज होते हैं ये। तो यहाँ पे क्लास मार्क में देखना है कि 50 to 50, ये 50 वाले क्लास मार्क में है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर एज अ 50 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लास मार्क अगर बोला है, अगर क्लासेस बोले हैं तो हमें ये क्लासेस देखने हैं, बट अगर क्लास मार्क बोला है सी यहाँ पे, तो हमें ये क्लास मार्क्स देखने। तो इसमें कौन से पॉइंट पे ये 50 नंबर आया है ये बोला है, तो ये 50 ये वाले क्लास मार्क पे, यानी कि 50 वाले क्लास मार्क पे आया, इसलिए हमें आंसर 50 लिखना है। राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। अभी यहाँ पे बोला है कि लोअर और अपर क्लास लिमिट लिखो वो क्लास के जिसका क्लास मार्क 85 है, यानी कि ये 85। तो इसका हमें लोअर और अपर क्लास लिमिट्स लिखने को बोला है। सो यहाँ पे हमें क्लास लिमिट्स लिखेंगे, तो यहाँ पे लोअर है 80 और बिगर वाला है 90, इन दोनों के 80 और 90 के बीच में ही 85 आया है, राइट। तो इसलिए हम लोअर वाला 80 लिखेंगे और इसमें दूसरा क्या बोला है, अपर वाला 90 लिखेंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच में ही आया, राइट। सो लोअर होगा, लोअर इज 80 एंड अपर इज 90, राइट। तो होप ये वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90, ठीक है।
यानी कि जो 80 to 90 वाला क्लास है इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मैंने बोला था ना आपको लेफ्ट साइड वाला जो है वो मार्क्स हैं, मार्क्स, और जो राइट साइड वाला है वो स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे 80 to 90 वाले क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 15, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, सो होप ये क्वेश्चन पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 3 ही क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक है और यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन एक है। सो हम डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आपको सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड आउट करना है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन द टेबल। यानी कि इसका भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है, इसका भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसलिए हम फाइनली थर्ड वाला ही कर लेते हैं। आप इसी को देख के सेम इसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज ये भी इन कंटिन्यूस क्लासेस में है, यानी कि 400 to 400 देन 600 600, तो ये भी कंटिन्यूस क्लासेस में है, ये भी कंटिन्यूस क्लासेस में है। तो फाइनली मैं ये वाला आपको सिखा देती हूँ, सेम जैसे ये वाला होगा वैसे ही ये वाला होगा। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इसमें बताया है कि इसमें इन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन किया है और इसमें इन चीज़ों को डिफाइन नहीं किया, दैट्स इट। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो आप मैं आपको ये वाला सिखा देती हूँ, आप इसी को देख के ये वाला सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो सी, यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट, 6.5 एक्सरसाइज का। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। ये आपका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने रिपीट किया है अभी। ये है आपका टेबल, राइट, तो टेबल में आपको गिवन है रिजल्ट है जो परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, यानी कि क्लासेस, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो ये गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, तो हमें टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है ना, तो सबसे पहले हमें उसे ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो इसलिए हमने उन सबको और एक प्रॉपर टेबल में बना लिया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्लास मार्क लिया। अभी आप देखोगे यहाँ पे 30 to 40 से स्टार्ट है ना, लेकिन आपको 20 to 30 से स्टार्ट करना, बिकॉज हमें तो जीरो से बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए हम एक पॉइंट ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 90 to 100 पे ख़त्म हुआ है, लेकिन हम एक पॉइंट बाद तक लेंगे, बिकॉज हमें कोऑर्डिनेट्स जो बनाने रहते हैं प्रॉपर, उसके लिए हमें जीरो, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है सी, और लास्ट में भी हमें जीरो से एंड करना पड़ता है। इन्होंने भले ही 733 एंड ऑल दिया है, बट हमें स्टार्टिंग में जीरो और एंड में भी एक जीरो लेना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ऐड किया और यहाँ पे एक ऐड किया क्लास। ठीक है, उसी के पहले वाला क्लास ऐड करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला रिजल्ट एंड परसेंटेज का, यहाँ पे हमने 20 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 30 है, बट हमने स्टार्ट किया 20 से और ख़त्म किया हमने 110 पे, यहाँ पे 100 पे ख़त्म है। देन हम क्लास मार्क लिखेंगे। ओके, तो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया है 20 + 30/2, या फिर आपको अगर बिटवीन का नंबर पता हो तो डायरेक्टली आप वो लिख सकते हो, जैसे 20 की 30 के बीच में 25, 30 to 40 के बीच में 35, ऐसे। ठीक है, और इसके बाद ये सारा लिखने के बाद अब आप जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या लिखना है आपको, ये फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, बट यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले 20 to 30 को जीरो कंसिडर करेंगे ऑलवेज, और ये जो लास्ट में 100 to 110 है इसे भी जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके इन दोनों को पहले और लास्ट में जीरो लिखना है, बीच का हमें पूरा फ्रीक्वेंसी यहाँ से एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपने क्लास मार्क लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया, तो इसी को आपको कॉमा कर करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लेना, यानी कि 25.0 यहाँ पे एक बन गया, 35.7, 45.33, 55.10, ऐसे ऐसे करके लास्ट तक हमें कोऑर्डिनेट्स सारे लिख लेने हैं। फिर हमें ये टेबल को देख के, ये कोऑर्डिनेट्स को देख के, ये क्लासेस को देख के हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। ठीक है, आप ये इसका एक फ़ोटो ले लो या फिर आप इसे कहीं पर ड्रॉ कर लो ताकि आपको आगे का वीडियो समझ में आए, बिकॉज हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं। ओके, सी, अभी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे ड्रॉ किया है, इसलिए मैं इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसे हमने कैसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश का एक हमने क्लासेस बना लिए हैं, मतलब
कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं एक्स और वाई के, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर क्लासेस बनाने हैं। क्लासेस बनाने हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज हम ताकि हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हम उसे यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्लासेस बना लिए 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105। हमने ऐसा क्यों किया है, सो हमारी जो क्लास थी जो हमने टेबल ड्रॉ किया है, अगर आप वहाँ पे देखो तो वो 20 to 30, 30 to 40 ऐसे थी, बट हमने जो ये क्लास मार्क बनाया था अगर आप वो ध्यान से देखो तो वहाँ पे यही सेम नंबरिंग्स हैं, राइट। आपकी जो क्लास मार्क है आपको वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वही वो सेम ही होती हैं, बस आपने वो क्लास मार्क को क्यों निकाला है, ताकि आपके लिए इजी पड़े, आपको पता चले कि हम इसे कहाँ मार्क कर सकते हैं, इसलिए आपने जो क्लास मार्क फाइंड आउट किया है उनको यहाँ पे एज इट इज़ लिख दो। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जीरो से डायरेक्टली जंप किया है 25 से, इसलिए आपको ये साइन बनाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप 0, 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट कर रहे हो कंटिन्यूस में तो आपको ये साइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर 0 से डायरेक्टली किसी नंबर पे जंप कर रहे हो तो ये साइन बना दो, ठीक है। और इसके आगे आपने क्लास मार्क लिख लिया और यहाँ पे आपने 10, 20, 30, 40 इसलिए लिखा ताकि आपके जो नंबर्स हैं कोऑर्डिनेट्स के वो सब इसके अंदर आ जाएं, ठीक है। और ये मैक्सिमम नंबर होगा वहाँ पे उसे एंड कर देना है, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर नहीं लिख सकते हो, डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, ऐसा ही नंबर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं और ये एक्सेस में हम रिजल्ट इन परसेंटेज मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला कोऑर्डिनेट आपको देखना है, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 25, 0, आप जाके टेबल पे चेक करो तो। सो यहाँ पे हमने पहला यहीं पे कोऑर्डिनेट मार्क कर दिया है, दैट इज 25, 0, यानी कि 25 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 35, 7, राइट। तो 35 यानी कि ये और 7 यानी कि हमने ये कंसिडर किया है, आपका जो ग्राफ पेपर होगा ना वहाँ पे ये प्रॉपरली लाइनिंग्स गिवन होंगी, तो आप वहाँ पे गिन लो कि सातवीं लाइन कौन सी है उससे और यहाँ पे 35 से, वही पॉइंट मार्क करके आप उससे सर्कल कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपको प्रॉपरली, अभी मैंने ये रूल्ड पेज पे बनाया है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे छोटी लाइनिंग्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ये हमने यहाँ पे 7 कंसिडर किया, ठीक है, और यहाँ पे 35 है, तो इसलिए ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला जो आपका पॉइंट ये है, आपका जो अगला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 45, 33, राइट। सो 45 हमने यहाँ लिया है, राइट, और 33 हमने समझो यहाँ पे कंसिडर किया, ये 33 हो गया और ये 45 हो गया, तो इसलिए हमने इन दोनों की जगह पे ये हमने ये बना लिया। ऐसे आपको हर एक कोऑर्डिनेट को ऐसे ऐसे पहले मार्क कर लेना है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जब आप इनको लाइनिंग से जोड़ देते हैं, और ये जो लाइनिंग्स आप जोड़ोगे इसे स्केल से करना है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी या ऐसे कर्व में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं होता है, ठीक है, वो कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप स्केल से जोड़ोगे तो वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अगर इतना बना लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल लिख देनी। स्केल में क्या होता है, यहाँ पे आपको देखना है कि एक्स एक्सिस हुई आपकी ये, तो यहाँ पे आपने 1-1 सेंटीमीटर पे ड्रॉ किया है ना, इसलिए 1-1, और डिफरेंस देखना है तो 5 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10, बिकॉज यहाँ पे 25 to 35 के बीच में 10 का डिफरेंस है, इसलिए हमने परसेंटेज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट इन परसेंटेज लिखा है हमने, ठीक है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%। उसके बाद इधर जाते हैं तो हमें वाई एक्सिस भी हमने 1-1 सेंटीमीटर पे अगर ड्रॉ किया है, अगर आपने 2-2 सेंटीमीटर किया तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखना, अदरवाइज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने 5 5 स्टूडेंट्स का डिफरेंस लिया है, इसलिए 5 स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस ही चेक करना है और उसके बाद उसे डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। सो होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये एक्सरसाइज समझ में आई है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में या इन क्वेश्चन में से कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में उसे बताइए, ताकि मैं वो डाउट्स आपके सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।